पे स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं, थोड़ा सब क्या कहते हैं बुखार थोड़ा ठीक है, बच्चों का भी और मेरा भी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हो रहा है मेरे शाम के 5 बजे शुरू। ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा आजकल, आपको पता ही है सब लिखा है। ये मेरा गुआनी, इसके बिना ना हमारा घर सोना है कसम से। दोस्तों इसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो सब उदास थे, मतलब ये घर में खेलती रहती है, मस्ती करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो अच्छा लगता है। और आराम क्या करें, मजबूरी। आजकल मेरा रूम चेंज हो रखा है, मैं आ रखी हूँ दूसरे रूम में। ये रानी सो रखी है और ये हमारा डॉगी भी दिन में ना देखो कैसे सो रखा है, आपको ये देखो मस्ती से सो रखा है। ब्राना ब्राना उठ जा, चल बाहर, चल बाहर आ जा, हो गया बतेरी हो गया, देखो ऐसे उड़ जाता है ना। आ जा बारी, चलो अब बाहर, ठीक है? अब बहुत हो गया अंदर, अब बाहर रहेगा ब्राउनी, अंदर नहीं, ठीक है? जाओ नीचे, जाओ जाओ नीचे, नीचे जाओ, चलो चौकीदारी करो, चलो गेट में, चलो नहीं जाना, आ जा अंदर, आ जा। नहीं 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 नहीं, चल बा ब्रॉनी, चल बा, बहुत हो गया दिन में, नहीं अब बहुत, डॉगी को बाहर रहना चाहिए यार दिन में। 5 बज गए, ये देखो कैसे सो रखी है, ये की दुकान भी खोलनी है। हाय मेरे पैरी, बर्तन है धोने के लिए, और लल्ली भी सो रखी है। और ये देखो हमारा आज सीधे रूम पे धूप आ रखी, सीधे देखो कैसे आ रखी धूप। आई मेरा पर्दा वो भी तो सूख ही गया फिलहाल, क्या कहते हैं टाउल भी सूख गया यहाँ पे। शाम के टाइम आ जाते हैं मच्छर, ये है बर्तन। तो दोस्तों बर्तन धोती हूँ मैं, लल्ली को भी उठाती हूँ, कोई दुकान में जाएगा, 5 तो बज ही गए, अब दुकान खोल ही देते हैं ना। तो थोड़ा ना सब ठीक हो ना घर में तो थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई ना कोई बीमार हो गया ना तो बड़ा बेकार लगता है। तो दोस्तों गोली मतलब हमारा गबलू, मैं इसको गोला भी बोलती हूँ प्यार से, गबलू गोला है, ये भी उठ गई है। और टाइम 5:30 हो गए हैं, और क्या कहते हैं किचन मेरा साफ हो गया है, देख सकते हो चमाचम। आज क्या तो ऊँ आ करे जा रहे हैं गोला, आज ठीक हो ना आप? हाँ ठीक हो ना वो बच्चा मिर्दानी ना, तो सब खुश रहते हैं। अगर मेरे गुप्पू को तबीयत खराब हो गई तो हम सब बेकार खुश नहीं रहते। आज मैं खुश हूँ थोड़ा, सच में इतने दिनों से ना बच्चे बीमार, मैं बीमार, सब उदास हो रखे थे। और पता ही आपको घर में बीमारी चल रही हो, सब बीमारी हो तो कितना बेकार लगता है। तो दोस्तों उठ गए हैं सब, लल्ली चले गई है दुकान में, और अभी हम देख रहे हैं मूवी, इसके बाद हम बनाएंगे 6 बजे चाय, और उसके बाद छत में जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम जाएंगे छत में, तो दिखाएंगे आपको छत में बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही देते रहें, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हमारा ब्लॉग भी चलता रहेगा और बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। ये है हमारी गब्बू। दोस्तों हम आ गए हैं छत में, और दीदी गेहूँ इकट्ठा कर रही है, गब्बू मौसी के साथ घूम रही है, और हम यानी कब से पड़ा हुआ था थोड़ा सा। ओ माय गॉड, मैं चेयर बाहर लाना, जरा ज़्यादा ही लाएगी गब्बू, ज़्यादा ही करेगी हैं। अभी रुक रुक रुक, ये दाल हटानी है, मेरे पैर में दर्द हो गया। ओ हो ये कपड़े थोड़ा सा, वेरी गुड, देखो काम कर रही है गोली, हमारी गोली काम कर रही है, इसको यहाँ रख, चलो बाहर। तो दोस्तों ऋषिकेश का नज़ारा से आज बहुत ही सुंदर, ये देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है ना, वाओ। और दीदी धो रही है स्कूल के कपड़े, जरा बड़ी ला यार, ये बड़ा जिसमें आप बैठे हो ना, मैं अपना पैर रखूंगी इस पैर को ऐसे, ये छोटा ही वाला लिया, हाँ थैंक यू। ओ
ये है सब, है ना, है ना गोला। प्यारी हरियाली हो रखी है ना, अभी धान हरी हो रखी है, बहुत सुंदर लग रहा है। उत्तराखंड के छोटे से शहर ऋषिकेश, देहरादून। अभी जब तक मकान नहीं बने तब तक बड़ा प्यारा नज़ारा है, उसके बाद तो पता नहीं कैसा लगेगा हमारे घर के आगे। गब्बू नहीं, तेरी मम्मी ऐसी चल रही है। आपकी तबीयत कैसी है? कैसी है? हाँ थोड़ा ठीक है बुखार इसका, पर खांसी नहीं रुक रही है इसकी इतनी। अरे घर के इलाज भी दोस्तों हमने बहुत अपना लिए, बहुत ज़्यादा क्या नहीं दिया इसको, शहद, वो शहद में अदरक डाला और कफ सिरप, तो 3 CC ले आए हम, पर तब भी इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। अगर आपके पास कोई रामबाण इलाज है घर का तो आप बता देना हमें, क्या क्या खिलाएं इसको गब्बू को, है ना गब्लू। मनदीप मैम देखेंगी वाला हमारी वीडियो तो वो बताएंगे। मनदीप मैम को भी पता है गब्बू की तबीयत खराब है, तभी तो वो बोलते हैं इसको स्कूल मत भेजो, अभी खप पी लेते, कमजोर हो गई है, उसका चेहरा देख सकते हो आप कितना कमजोर हो गया। कैसी गब्बू थी हमारी गब्बू, खुश रहती थी मस्त, और आजकल ऐसी हो गई है, दिमाग खराब हो गया गब्बू को देख के। मेरा हो गया यार, अभी तक हम छत में ही है, रोने का मुँह हो रहा है, रोने का मुँह हो रहा है, खांसी हो रही ना। और ये देख सकते हो दीदी ने भी लाइट जला दी है, और दीदी धो रही है गेहूँ। अच्छा लग रहा है छत में, इस टाइम ना नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, नीचे रोशनी हो रखी है। यहाँ पे होटल खुल गया। ओ घर आजा परदेश, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर देसी। तो दोस्तों मिलते हैं सीधे नीचे, अभी थोड़ा छत में टहल तुर करी। हेलो दोस्तों, तो अनुष्का गूंध रही है आटा और कह रही है मेरे को ब्लॉग में निकालना ना तो मैं डिलीट मार दूंगी। ऐसी है अनुष्का, बहुत वैसी है, बिल्कुल ब्लॉग में नहीं आना चाहती है, इतनी तेज आवाज कर रखी है ना मूवी की इतनी। सब्जी दिखाती हूँ मैं, तोरी की सब्जी बना रखी है अभी। ये हमारी तोरी की सब्जी रेडी हो गई है, बनी गई है फिलहाल, अच्छी बनी है। आजकल मीठी होती है ना तोरी की सब्जी, सचमुच अनुष्का को बहुत पसंद है। अनुष्का ना कभी किसी चीज की सब्जी के लिए नहीं बोलती है कि अच्छी है, तोरी की सब्जी बहुत पसंद है लड़की। और बैग भी ऐसे फैला रखा है, ये देखो क्या हाल कर रखे कमरे के, उनसे सफाई कर करके थक जाते हैं। और बच्चे फिर सुबह वही हाल, शाम को या सुबह सेटिंग करो और शाम को वही हाल रूम के। तो दोस्तों आजकल यही रूम है, मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।